जातिवाद कोई अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट नहीं है, हर जगह जातिवाद फैली हुई है। नंबर दो, जातिवाद एक बेवकूफी है। अपनी जाति पर अभिमान होना, अपने पूर्वजों पर अभिमान होना, अपने परंपराओं को मानना, उसके साथ में चलना, अपने कल्चर को रिटेन करना बहुत बढ़िया बात है, होना चाहिए। लेकिन उसको लेकर दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना या उनसे बच के रहना, अलग अलग रहने की प्रवृत्ति होना, ये महापाप है। और जिस समय देश में जिहादी अटैक कर रहे हैं उसमें महापाप है। तीसरी बात है, इस समय सबसे ज्यादा दलितों पे और सारे के सारे हिंदुओं पे, और इतिहास में भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने एट्रोसिटी किया है तो वो रहे हैं जिहादी, उसके बाद में ब्रिटिश। तो हमें अपने दुश्मन बहुत क्लियर होना चाहिए और एकजुट होकर इस जातिवाद को जड़ से समाप्त करें। और तब तक के लिए कुछ विसंगतियां है, आपस में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ लगता है ये सही है ये गलत है, ये न्याय होना चाहिए ये अन्याय होना चाहिए, उन चीजों को एक बार के लिए पोस्टपोन कर दें। बिलीव मी, जिस दिन हमने ये असली प्रॉब्लम, जिहाद वाले प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया अच्छे से, जिस समय हमने अपने हिंदू धर्म को ऐसा बना दिया कि हर कोई हिंदू धर्म में आना चाहता है, हिंदू धर्म का हिस्सा बनना चाहता है, एंड हिंदू धर्म में कोई भी तरह का नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं किया जाता, जिस दिन हम वो चीज कर लेंगे उस समय देश में इतने रिसोर्सेज, इतना धन, इतना संपदा अपने आप क्रिएट हो जाएगा, जो कि आज भी है, कि उसके बाद में ये बाकी जितनी भी विसंगतियों को लेकर हम आपस में एक दूसरे से बैर वमन से कर रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगा।